राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और बेटे महाआर्यमान आज उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। शिवरात्रि के चलते गर्भगृह में प्रवेश बंद होने से महारानी और युवराज ने गर्भगृह की दहलीज पर मत्था टेका और सभी की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान शहर भाजपा उपाध्यक्ष संजय ठाकुर उनके साथ मौजूद रहे। जानकारी देते हुए महाकाल मंदिर के पुजारी संजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के परिवार से उनकी पत्नी और बेटे ने आज बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। शिव नवरात्रि के चलते गर्भगृह से दर्शन प्रतिबंधित है, इसलिए उन्होंने गर्भगृह की दहलीज से बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। जय महाकाल। आज महाशिवरात्रि पर्व की नवरात्रि परंपरा में आज सिंधिया राजघराने से महारानी साहब एवं युवराज महाआर्यमान साहब महाकाल मंदिर पधारे। उन्होंने बाबा महाकाल का पूजन दर्शन अभिषेक किया और भगवान से समस्त भक्तों के लिए मनोकामना मांगी कि भगवान महाकाल सब पर आशीर्वाद बनाए रखे और सबको सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें।